नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी फिल्म की रियल स्टोरी जिसे आपने पहले कभी ना सुनी हो। असल ये कहानी 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया से रिलेटेड है। दोस्तों, ये उस साल की इतनी अमेजिंग फिल्म थी ना कि इसने काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आने लगी थी। क्या आप लोग ये जानते हैं दोस्तों कि भूल भुलैया फिल्म जो है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल भूल भुलैया फिल्म जो है ये एक मलयालम फिल्म मणिचित्रम का रीमेक है जो कि साल 1993 में आई थी। और जो एक्चुअल में मणिचित्र था, जो फिल्म है वो एक रियल स्टोरी से इंस्पायर फिल्म है दोस्तों। फिर ये फिल्म बनाई गई और इसके अलग अलग लैंग्वेजेस में काफ़ी सारी फिल्में बनाई गई दोस्तों, और इसमें से भूल भुलैया भी थी दोस्तों। इसलिए मैं आपको रियल स्टोरी से, रियल इंसिडेंट से आधारित फिल्म कह रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंसिडेंट्स है कि ये फिल्म बनाने का मेकर्स को मौका मिला और मेकर्स के दिमाग में आया कि यह फिल्म बनानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यह फिल्म भूल भुलैया फिल्म राज परिवार के ऊपर आधारित है। राज परिवार का एक राजा था दोस्तों, जिसे मंजुलिका नाम की एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो कि उसके राज दरबार में डांस करती थी। और मंजुलिका जिस आदमी के साथ डांस करती थी उस आदमी से ही मंजुलिका को प्रेम था। मतलब यहाँ पर एक लव ट्रायंगल हो गया दोस्तों। इसका मतलब राजा को मंजुलिका से प्रेम और मंजुलिका को उसके साथ डांस करने वाले तक से प्रेम। और जब ये बात राजा को पता चलती है ना दोस्तों, तो राजा क्या है, उस मंजुलिका के साथ जो डांस करता था ना, वो जो नृत्यक था, उसका सबके सामने गला काट देता है दोस्तों। और ये सब देखकर मंजुलिका काफ़ी क्रोध में आ जाती है दोस्तों, और वो राजा को श्राप देती है कि मैं भी इस राज परिवार के हर एक राजा का गला काट कर खून की आहुति नहीं दे देती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मंजुलिका की भी मृत्यु हो गई दोस्तों। फिर क्या होता है कि वो उस परिवार के हर एक राजा को सताने लगती है। फिर क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और अपनी मंत्रों की शक्ति की मदद से मंजुलिका की आत्मा को उनके महल के तीसरे फ्लोर वाले एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक बड़ा सा ताला लगाते हैं, एक डरावना सा दिखने वाला, बहुत ही हॉरर सीन रहता है ये। और फिर उसको बंद कर दिया जाता है काफ़ी सारे साल गुजरने के बाद दोस्तों, और इस फिल्म के प्रेजेंट डे में फिल्म पहुंचती है और इस फिल्म की प्रेजेंट डे में चीज़ें पहुंचती है। प्रेजेंट डे में सिद्धार्थ नाम का एक आदमी यहां पर आता है जो कि कौन एक्टर था वहां पर, क्या नाम था उसका, शाइनी आहूजा यहां पर आता है जो कि अमेरिका का रहने वाला है। और उसके साथ में अवनी यानी कि विद्या बालन भी आती है। फिर ये होता है कि सिचुएशन ऐसे घूमने लगती है कि लोगों को लगता है कि मंजुलिका की आत्मा वापस से डेरा डालने लगी है, वापस से स्थापित बना रही है चीज़ों को। सिद्धार्थ जो कि इस फिल्म का हीरो है, उसकी जान को भी खतरा है। हालांकि वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है, तो वो क्या करता है कि अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है जो कि यहाँ पर अक्षय कुमार थे, और अक्षय कुमार को बुलाता है जो कि अक्षय कुमार इस फिल्म में एक साइकेट्रिस्ट का रोल कर रहे हैं। और अक्षय कुमार से ये कहता है कि इन लोगों को देखो कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, और लोग मंजुलिका मंजुलिका बोलते रहते हैं। अक्षय कुमार समझ जाते हैं कि अवनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है और अवनी मल्टीपल डिसऑर्डर एक नाम की बीमारी से जूझ रही है। अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो सेम टू सेम ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जैसे कि अवनी के दिमाग में बैठी हुई है, जैसे कि मंजुलिका की कहानी वाली स्टोरी कि वो हर एक राजा की आहुति देगी। अब अवनी के सामने उसी के पति का पुतला तैयार करते हैं और अवनी उसी पुतले को काटकर यानी कि अपने पति को मार डालती है। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़कर बताता हूँ। ये जो मणिचित्रा था जो फिल्म थी ना, ये एक मलयालम फिल्म थी। इसके काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने और सुपर डुपर तरीके से हिट हुए। अब बात करते हैं कि ये कांड कहाँ पर हुआ था। दरअसल राजस्थान में रहने वाला एक राज परिवार था
जिस परिवार के साथ सन 1987 में ये पूरी प्रॉपर घटना घटी थी, उन्हीं से इंस्पायर होके मेकर्स को ये फिल्म बनाने का आइडिया आया। अब ये अकेला परिवार नहीं था राजस्थान का, यह अकेला परिवार नहीं था जिसके लिए मेकर्स को ये फिल्म बनाने का आइडिया आया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसके बारे में मेकर्स को पता चला और मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए, कि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो और लोगों को एक अलग तरीके की जानकारी भी मिले। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भूल भुलैया से ही डरावना, मिलता जुलता एक अजीब किस्सा। एक आदमी था बिली मिलिगन नाम का, वो अपनी लाइफ में ना छोटी मोटी चोरियाँ करके अपने घर का गुजारा करता था। ये नॉर्मल आदमी था, एक नॉर्मल क्रिमिनल था। एक दिन इसका दिमाग जो है ना अपने आप में फ्रैक्चर होने लगा और इसका दिमाग अलग अलग पर्सनालिटी में बंटने लगा, और एक दो नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि इसका दिमाग 24 पर्सनालिटी में बंट गया। हर एक पर्सनालिटी का बात करने का तरीका, लहजा कहो या फिर बात करने का डिक्शन कहो, उठने बैठने का लहजा, चलने फिरने का लहजा, सब कुछ अलग था। मतलब एक अकेले इंसान के अंदर 24 पर्सनालिटी जी रही थी। इसका मतलब एक इंसान के अंदर 24 अलग अलग तरीके के इंसान जी रहे हैं। अब वो क्रिमिनल भी था साथ में, तो सोचो सोने पे सुहागा हो गया। अब जो इसे क्राइम करने का तरीका था, ये बड़ा ही वियर्ड और ऑकवर्ड हो गया था। क्या हुआ था एक दिन कि इसने 1977 के अक्टूबर की शाम को 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया और इसने इन 3 लड़कियों के पैसे भी लूटे और इसके साथ दुर्व्यवहार भी किया और इन्हें छोड़ दिया। इसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई और इसने छोड़ दिया। अब क्या होता है कि इसकी टाइम पे पर्सनैलिटी चेंज होती जाती है। ये लोग भागते हुए चीखते हुए पुलिस के पास गए और पुलिस को जाकर क्या बताए कि मुझे बिली ने किडनैप किया, मेरे पैसे लिए और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे मारा पीटा और मुझे छोड़ दिया। दूसरी लड़की आकर क्या बता दिए कि बिली ने मुझे किडनैप किया, मेरे पैसे भी लिए लेकिन मुझे बड़े प्यार से बात कर रहा था और ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कि वो एक लड़की है, आदमी ना होकर कि वो एक औरत है और मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे कि वो कोई एक लड़की है। कि मुझे ऐसा लगा कि एक स्कैरी आदमी जिसने मुझे बहुत ही डरावने तरीके से किडनैप किया उससे ऐसी तरीके से बात कर रहा है। पुलिस समझ गई कि इसका जो ऊपर वाला माला है या जो खाली है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और वहाँ पर जाकर पता चला कि सीन क्या है। इसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटी जी रही थी। इसका जैसे तैसे करके इलाज हुआ। सन 1980 में इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई, काफ़ी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी और 1988 के आसपास इसका दिमागी संतुलन ठीक हो गया और इसके बाद इसने नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश किया। ये अकेला केस नहीं है, और मैं आपको दो केस बताता हूँ। सन 1960 में किंग नोबल नाम की एक लड़की का जन्म इंग्लैंड में होता है। ये लड़की बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं झेल रही थी। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी उसके घर पर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे और कई बार गुस्से में तो इसको भी बहुत मार पड़ती थी। बहुत ज़्यादा अब्यूज झेल के बड़ी हुई थी। अब जब ये अपने होश संभाल ली थी ना, तो ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे ये चीज़ें झेलने के लिए, इन चीज़ों को फेस करने के लिए एक अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे दिमागों की ज़रूरत है। सोचते सोचते इसने दिमाग में 100 से ज़्यादा पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया था। इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, इसके अंदर अचानक से एक ऐसी बात आई कि मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं किंग नोबल नहीं हूँ, पढ़ाई करने वाली लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक वैन ड्राइवर हूँ। तो ये जाके अपने पड़ोस की वैन चुरा कर उसे चलाने लगी और जो भी पार्क में गाड़ियाँ थी उनके ऊपर वैन चढ़ा दी, अपने और कई सारे लोगों की मौत हो गई। उस दौरान फिर एक बार क्या हुआ कि अचानक इसके घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे और ये घर के अंदर अकेली थी और खबर मिलती है कि अगले दिन कि उनके पेरेंट्स को कि आपके घर में आग लग गई है और आपकी बेटी के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है। इसके पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, घर पे पहुंचते हैं और बहुत टेंशन में आए। पुलिस आए, जासूस आए, तहकीकात हुई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया
कि ये किसने किया। फिर क्या हुआ कि नोबेल मतलब किंग नोबेल क्रिस के पास ले जाया गया, क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं था कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। साइका क्रिस के सामने ये पता चला कि वो घर में आग लगाने वाला दूसरा कोई और नहीं बल्कि किंग है। किंग के अंदर रहने वाली एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो कि उस घर में आग लगाया, किंग के ऊपर एसिड डाल दिया, जिसकी वजह से किंग का आधा चेहरा जल चुका था। मतलब इन शॉर्ट किंग ने ही अपने घर में आग लगाई और अपने ऊपर एसिड डाल दिया और उसे कुछ भी याद नहीं। अगर वो सब साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाते तो ये नहीं पता चल पाता कि उस दिन किंग ने ही अपने घर में आग लगाई थी। समझ में नहीं आता कि कई बार ऐसे केसेस ये बीमारी या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड होते हैं। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। भूल भुलैया फिल्म बहुत सारे केसेस के आधार होकर बनाई गई थी, साथ ही वो राजस्थान वाली फैमिली बेन के साथ ये सब कुछ बीता गया था। सबको कंबाइन करके इस फिल्म में दिखाया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि कई बार जिसे लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं वो भूत प्रेत नहीं बल्कि एक बीमारी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बेशक ऐसे चीज़ें होती है और बीमारी भी होती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दोस्तों, आप या फिर आपके आसपास कोई रहने वाला कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने परिवार से कंसल्ट कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर दूसरा रास्ता भी अपनाइए। पता नहीं किसके अंदर क्या चल रहा होता है, क्योंकि यह दुनिया तो मिस्टीरियस से भरी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।